नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भुना हुआ लहसुन खाने के चमत्कारी फायदे बताने वाला हूं। और भुना हुआ लहसुन बिल्कुल ही पुरुषों के लिए वरदान की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आप तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाना। आयुर्वेद के धरोहर में अभी भी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवा मौजूद हैं, कुछ ऐसे आयुर्वेद खजाने छुपा हुए हैं जिसकी मदद से बहुत सारे बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत आता है भुना हुआ लहसुन। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद लहसुन को काफ़ी फायदेमंद बताया गया। कोई लहसुन को जो है कच्चा प्रयोग करता है तो कई लोग इसे सब्जी में खाते हैं, तो दोस्तों कई लोग जो इसे घी में फ्राई करके खाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप जो इसे घी में फ्राई करके खाते हैं तो इसमें आपको जो कच्चे लहसुन खाते हैं इसकी तुलना में हजार गुना ज्यादा बेनिफिट मिल सकती है, यानी कि फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे मिलते हैं मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या, यानी कि दोस्तों अगर आपके शरीर में कमजोरी है, सुस्ती है, मर्दानी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको दिन भर शरीर सुस्ती रहता है, किसी भी चीज को काम करने का मन नहीं लगता, तो आप बिल्कुल ही भुना हुआ लहसुन के सेवन जरूर करें। लहसुन में एलिसिन नामक पदार्थ होता है दोस्तों, जो कि पुरुषों के मेल हार्मोन्स यानी कि जो सेक्स का हार्मोन्स होता है इसे बढ़ाने का काम करता है, ठीक रखने का काम करता है। अगर आपके भी शरीर में कोई मर्दानी ताकत की कमजोरी आ गई तो बिल्कुल ही आपको दो लहसुन, दो से ज़्यादा लहसुन नहीं खाना है, दो लहसुन आपको खाना खाने के बाद में प्रतिदिन सुबह शाम में आपको घी में फ्राई करके खाना चाहिए। हमारे शरीर में जो है एलिसिन नामक हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। अगर मर्दानी ताकत कमजोरी है, शीघ्र पतन जैसे समस्या आ जाती है, उसे भी यह दूर करने का काम करता है। दांत दर्द में भी बहुत ही कारगर है। अगर भुना हुआ लहसुन खाते हैं तो दांत दर्द ठीक हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने लहसुन के माध्यम से दांत दर्द ठीक करने की दवा भी बताया था। अगर आप लहसुन को पीस करके जहां पे दांत दर्द होते हैं वहां पे इसका पेस्ट लगाते हैं तो दांत दर्द ठीक हो जाते हैं। दांत के कीड़ों को भी बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि दांत दर्द को ठीक करते हैं, दांत के कीड़े को मारने का काम करता है। दिल को भी दोस्तों यह फायदे पहुंचाने का काम करता है, यानी कि दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है इसे नियंत्रण रखने का काम करता है। भुना हुआ जो लहसुन खाते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बिल्कुल ही नियंत्रण रखने का काम करता है। यार बहुत ही इसका फायदे हैं। मैं तो कहता हूं जो दिल की बीमारी से परेशान है, यानी दिल के मरीज, उन्हें बिल्कुल ही भुना हुआ लहसुन खाना चाहिए। और ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, केवल एक ही खाना चाहिए, ठीक है, वरना यह शरीर में ज्यादा गर्माहट बढ़ाने का काम करता है। कैंसर से भी बचाने में मदद करता है और कैंसर को भी यह ठीक करने का काम करता है। अगर दो लहसुन प्रतिदिन खाया जाए तो शरीर में गर्माहट लाता है, यानी कि अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है तो दो लहसुन बिल्कुल ही प्रतिदिन खाए, शरीर में गर्माहट बढ़ाएंगे और कैंसर जैसे भयानक बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रामबाण दवा माना गया है भुना हुआ लहसुन। लहसुन बिल्कुल खाइए प्रतिदिन, पेट की गड़बड़ी को दूर करता है। अगर आपके पेट में कब्ज बढ़ रहा है, पेट में गैस बढ़ रहा है, तो प्रतिदिन आपको दो भुना हुआ लहसुन चबा करके खाना चाहिए। पेट की गड़बड़ी को दूर करता है, गैस बढ़ रहा है, पेट में दर्द होता है, अपच होता है, पेट भरा भरा लग रहा है, अगर आप दो लहसुन चबा करके खाते हैं तो पेट के जो भरा भरा रहता है भरापन दूर हो जाते हैं, पेट में गैस भर रहा है, डाइजेशन सिस्टम कमजोर है तो डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे छोटी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। हमारे आप वीडियो को देख रहे थे तो आप हमारे एक विजिटर ही नहीं बल्कि हमारे इस चैनल में जुड़े हुए छोटे से परिवार है। अगर आपको भी लहसुन की फायदे लेनी है तो आप बिल्कुल ही सुबह शाम खाली पेट में खाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यार तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल ही ऑनलाइन रहने पर आपकी मदद करूँगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में बिल्कुल ही पूछे, मैं आपको बिल्कुल ही अपने इस कमेंट के माध्यम से आप लोगों के साथ में जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जानकारी दूंगा। हो सके तो अगर मेरे से जो समझ में नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी सर्च करके आप लोगों को जानकारी दूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, कोई भी A to Z, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल ही आपकी ऑनलाइन रहने पर मदद करूंगा। वीडियो के माध्यम से आप जो पूछ रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये थे छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।